हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज मेरा है सेकेंड डे अपने गांव में और मैं देखिए पीछे बहुत दूर मैं आ गई हूँ मॉर्निंग वॉक करते करते। मॉर्निंग वॉक के लिए निकली हूँ, अच्छा नहीं लग रहा था ना, कल इतनी गर्मी थी, हम लोग सो नहीं पा रहे थे तो हम लोग सब आंगन में सोए हुए थे और बच्चों ने कहा था कि वो भी साथ मेरे आएंगे लेकिन वो अभी तक सो रहे हैं तो मैं अकेले निकल पड़ी हूँ। पता नहीं कहाँ तक जाऊँगी, ज़्यादा दूर नहीं क्योंकि एक सप्ताह से मेरा ये रूटीन गड़बड़ हो गया है तो थोड़ा सा आलस जैसा लग रहा है और शूज़ वगैरह नहीं है, सिर्फ चप्पल पहन के मैं चल रही हूँ तो थोड़ी दिक्कत हो रही है। देखती हूँ फिर भी थोड़ा सा टहल के आती है तो मज़ा आ रहा है मुझे यहाँ अपने गाँव में, लेकिन गर्मी ने परेशान कर रखा है, बहुत गर्मी है। हजारीबाग की याद आ रही है मुझे क्योंकि वहाँ का मौसम है। अभी ब्रश व्रश करने के बाद में मैं जाऊँगी अपने बाबा का कब्र में, वहाँ कैंडल जला कर आऊँगी क्योंकि 2013 में मेरे पापा, मतलब मेरे बाबा, मैं बाबा बोलती हूँ, मेरे बाबा डेथ किए थे तो उस टाइम जो मिट्टी देने के लिए मैं आई थी उसके बाद फिर दोबारा नहीं आई, इसीलिए इतना 11 साल हो गया, 11-12 साल। ये जो सड़क है ना वो रांची से आती है और मनोहरपुर, राउरकेला मनोहरपुर तक ये सड़क है और वहाँ से फिर ट्रेन, फिर बाई रोड भी राउरकेला जा सकते हैं। एक से हाँ 1.5 घंटे का सफ़र है और फिर वहाँ से आधा घंटा राउरकेला, मतलब इतने बॉर्डर में हम लोग रहते हैं। और ये है पुआल को ना ऐसे रखा जाता है, माचा बोलते हैं इसको ना, मचान बना करके इस तरह से पुआल को रखा जाता है जानवरों को खिलाने के लिए। और देख सकते हैं पहाड़ उधर, बहुत ही खूबसूरत। इधर ना एकदम केवल जंगल, पहाड़ और नदी नालों झरनों से ये है, इसीलिए कहा जाता है कि झारखंड हमारा बहुत ही खूबसूरत है, वाकई में बहुत खूबसूरत। गाइस आप देख रहे हैं ना कितना दूर मैं, मतलब अब मैं वापस आ रही हूँ और वो जो कॉर्किट का वो थोड़ा सा ब्लू ब्लू टाइप का जो दिख रहा है ना घर, वो मेरे चाचा लोग का है तो अब ये लोग इधर बनाए हैं, नहीं तो पहले तो सब गांव में अंदर में थोड़ा सा था पुराना घर, तो अब लोग अपना अपना इधर बना रहे हैं। तो ये सारा जो है ना रोड के किनारे ये सारा हम सब का है और हमारा, चलिए मैं दिखाती हूँ तो कितना खूबसूरत लग रहा है ये सूरज। और देखिए मैं आप लोगों को बाद में ले जाऊंगी यहाँ का रिवर, कोयल, कोयल रिवर जिसको बोलते हैं, यहाँ बहुत बड़ी है दक्षिणी कोयल, हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते थे। और ये हम लोग का आम का ये बगान है, अभी पके नहीं हैं आम, मतलब उतना दूर तक ये हमारा बगान है। और वो जो बड़ा बड़ा पेड़ दिख रहा है वो तो बहुत पुराना आम का बगीचा है। गांव आने का मेरा कारण था, है ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे बनाने हैं, इसलिए मैं इतना जोर की हूँ आने के लिए। ऐसे तो और समर वेकेशन चल रहा है तो मैंने सोचा कि चलो ये सब काम भी हो जाएगा छुट्टी में, इसलिए क्योंकि समय मिलता नहीं है तो यही सब, एक दिन और रहना पड़ेगा सर मुझे। गाइस हम लोग जा रहे हैं नहाने के लिए नदी, कोयल नदी, और बच्चा लोग तो इतना जल्दी जल्दी जा रहा है कि हम तो चल ही नहीं पा रहे। अरे ज्यादा दूर नहीं है ना, वो वही नदी दिख रहा है ना। अभी बजे हैं 7।
फिर बाद में धूप हो जाएगी इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं नहाने के लिए। और भाभी नहीं आ रही है क्योंकि भाभी को बनाना है अरसा, क्योंकि यहाँ ना गांव में क्या होता है जैसे किसी के घर में शादी है, कुछ मेहमानी वगैरह है, तो लोग अपने अपने घरों से अरसा या कुछ मिठाई वगैरह बना के ले जाते हैं। तो आज दो ये बाबू और एक सुप्रिया तो उतना दूर में, और एक मैया तो दिख भी नहीं रही है, कितना दूर चली गई चल नहीं सक रहे। यही है कोयल नदी, ये बहुत चौड़ी नदी है लेकिन यहाँ पर ना बीच में टापू है, उस टापू के उधर भी यही नदी, मतलब बीच से ऐसे हो गया है, मतलब दोनों साइड से ये ऐसे फैल गया है और उधर बीच में टापू बन गया है। और ये बहुत, और इस नदी में बहुत पत्थर, और जहाँ पे थोड़ा सा कम है वहाँ पे हम लोग आए हैं। यहाँ तो मैं पहली बार आई हूँ, मैं बचपन में जब आया करती थी ना तो उस साइड बहुत अच्छा जगह था, लेकिन उधर ये लोग नहीं लेके गया बच्चे लोग हमको, उधर शायद थोड़ा डेंजर होगा, मतलब गहरा पानी होगा इसलिए। तो हम लोग यहीं पे थोड़े कपड़े धोएंगे और नहाएंगे भी। हाकू को मैं नाया की कहा हमको सिखाओ तुम लोग मुंडा बोल दे। हाँ इस नदी में ये नदी मछली सब है ना, लोग मारते हैं मछली और बेचते भी हैं इधर। यहाँ हम लोग नहाने के लाए हैं, देखो तो इधर ढेर सारा आदमी लोग है, क्या करेगा ना, वो लोग अपना काम कर रहा है, कुछ कर रहा होगा। उधर भी है, उधर पत्थर सब है। अरे कैसे डूबेंगे, ये तो थोड़ा सा पानी है, हम तो डूबेंगे भी नहीं। तो वहां जाएंगे। हाँ इसमें ज्यादा है तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा तो ज्यादा है मेरे इतना से। हाँ वैसा कपड़ा धोने के लिए जगह है वहां पर, कहाँ पे वो जगह तो कपड़ा यहीं धो लेंगे क्या, कि नहाने के लिए वहां जाएंगे है ना, कपड़ा यहीं धो लेते हैं। चलो सुप्रिया इधर हाय बोलो ना, तुम लोग को सब कोई देखेगा वीडियो में, ऐसे ऐसे करो ना हाथ को। सुप्रिया बहुत शर्माती है, इसको हम ले जाएंगे अपने साथ हजारीबाग। और सुप्रिया को क्या ले जाएंगे, क्या सब कोई जाओगे, यही मजा लगता है ना चलो सब कोई अपना अपना कपड़ा धोता है, देखो कितना अच्छा बच्चा लोग है, सब अपना अपना कपड़ा अपने से धोता है। ओह रे आज धो रहा है, नहीं तो नहीं धोता है। आज धो रहा है अच्छा हमको दिखाने के लिए ना, अच्छा कोई बात नहीं, सीखना है ना बेटा। पानी इधर का ठीक है थोड़ा सा, थोड़ा सा पानी में तुम नहीं डूबना, थोड़ा नजदीक आओ। देखना ढेर क्या गड्ढा है, उतने उतने आओ तुम, चलो डुबकी मारेंगे ना, चलो डुबकी मार ना उतरेगी तो डूब जाएगी ना, पकड़े रहो डूब जाएगी, डूब जाएगी नहीं डूबेगी। सुप्रिया तैरने जानती है, थोड़ा थोड़ा उल्टा तैरो 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 जल्दी पानी साफ़ है। लेकिन हम नहीं डूबेंगे ना, नहीं
तैरना सिखा रहे उल्टा मेरे साथ साथ में कर मेरे साथ देखना तो इधर इधर करना उधर से नहीं इधर इधर जाएंगे चलो इधर जैसे जैसे हम लोग पूरा फुल मस्ती हम लोग का हो रहा है ना। ये लोग अपनी फुआ के साथ खूब मस्ती कर रहे हैं। मेरा पैर को क्या बना रहे, कुंभा बनाएंगे। हम इधर पानी में लुढ़क जाएंगे। कैसे कैसे ऐसा वाला थोड़े कैसा। अच्छा हाँ चलो चलो ठीक है ठीक है। कैसा लग मेरे पैर को बना। हाँ हाँ धीरे से निकालेंगे टूट जाएगा तो। धीरे से ना। बचपन में खेलते थे हम लोग। क्या देखो बन गया गुफा। नहीं होगा। चलो चलो घर जाएंगे, बहुत देर हो गया। बड़ी सुंदर बनाई है गुफा है ना। बहुत सुंदर। नहा के आते आते नदी से, मतलब थोड़ा दूर ही है, बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, फिर भी थक गए है ना। और नाश्ता मैं बोली मैं प्लेट में नहीं खाऊंगी, मैं पत्तम में खाऊंगी। तो ये है चावल के आटे का, और ये कांटा वाला जो बैगन होता है ना उसकी सब्जी है।